अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में अरेस्ट पर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे और अरेस्ट की मीनिंग होती है गिरफ्तार करना। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म अरेस्ट है, सेकंड फॉर्म है अरेस्टेड, थर्ड फॉर्म भी अरेस्टेड है और फोर्थ फॉर्म है अरेस्टिंग। और इसके नाउन की बात करें तो नाउन होगा इसका अरेस्ट और एडजेक्टिव होगा अरेस्टेबल। तो इसके नाउन अरेस्ट की मीनिंग होती है गिरफ्तारी और अरेस्टेबल की मीनिंग होती है काबिल गिरफ्तारी। तो इनको सेंटेंस में यूज़ करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारे पास, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया। वाई डिड द पुलिस अरेस्ट देम, यानी कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे अरेस्ट वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास, पुलिस ने उन्हें आधी रात ड्रग चार्जेस पर गिरफ्तार किया। द पुलिस अरेस्टेड देम ऑन ड्रग चार्जेस एट मिडनाइट, यानी कि पुलिस ने उन्हें आधी रात ड्रग चार्जेस पर गिरफ्तार किया। तो यहाँ पे भी दोस्तों अरेस्ट वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की। तीसरा सेंटेंस है हमारे पास, उनकी गिरफ्तारी अब नहीं होगी। Their arrest will no longer take place, यानी कि उनकी गिरफ्तारी अब नहीं होगी। तो यहाँ पे arrest noun के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। Sentence number 4 है, तुम अब जेरे हिरासत हो। Now you are under arrest, यानी कि तुम अब जेरे हिरासत हो। तो यहाँ पर भी arrest noun के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस नंबर 5 है, इस जुलूस को निकालने की वजह से तुम सब काबिल गिरफ्त हो। यू आर ऑल अरेस्टेबल फॉर टेकिंग आउट दिस प्रोसेशन, यानी कि इस जुलूस को निकालने की वजह से तुम सब काबिल गिरफ्त हो। तो यहाँ पे अरेस्टेबल एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो दोस्तों ये अरेस्ट पर सेंटेंस थे। अरेस्ट को अलग अलग तरीक़ों से हम लोगों ने इस्तेमाल किया सेंटेंस में। और ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं एक अगली न्यू वीडियो में।